दोस्तों बस्तर संभाग में सहायक शिक्षक एलबी से शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोन्नति आदेश जारी हो गया है। दोस्तों हिंदी साहित्य में स्नातक वालों का हिंदी में हुआ प्रमोशन। स्नातक में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र व राजनीति वालों का सामाजिक विज्ञान में हुआ प्रमोशन। स्नातक व स्नातकोत्तर संस्कृत का शिक्षक पद पर हुआ प्रमोशन। बाकी गणित, अंग्रेजी, विज्ञान का स्नातक के विषय के आधार पर हुआ है प्रमोशन। तो चलिए दोस्तों मैं एक सूची को आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या मुख्य बिंदु दिए गए हैं। कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़, और यहाँ पे है छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक एवं प्रशासकीय संवर्ग भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 की अनुसूची 4 के सरल क्रमांक 17 पर सहायक शिक्षक एलबी स्नातक प्रशिक्षित से शिक्षक एलबी विषय संस्कृत के पद पर पदोन्नति हेतु कालम 3 में निर्धारित न्यूनतम अनुभव 5 वर्ष को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव को 3 वर्ष निर्धारित करने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर सहायक शिक्षक एलबी इस संवर्ग स्नातक प्रशिक्षित की पदोन्नति शिक्षक एलबी के पद पर 7वें वेतन मान में वेतन मैट्रिक्स 25,380,500 लेवल 6 वेतन बैंड रुपीस 5,200, ग्रेड वेतन 2,400 से वेतन मैट्रिक्स 35,400 से 112,400 लेवल 8 वेतन बैंड रुपीस 9,300 34,800 वेतन ग्रेड वेतन 4,200 में करते हुए एतद् द्वारा अधोलिखित शर्तों के अधीन पदांकित किया जाता है। और यहाँ पे है कर्मचारियों की सूची। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्कृत विषय में सिर्फ 5 शिक्षकों का नाम चयनित किया गया है पदोन्नति के लिए। और यहाँ पे है नियम एवं शर्तें। पहला बिंदु है ये पदोन्नतियाँ छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक F-23-2019-13 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23/12/2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के विरुद्ध माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका इतने में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी। दूसरा बिंदु है जिन कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रचलन में है, निलंबित अथवा कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित है, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए आदेश लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराकर उनकी जानकारी इस कार्यालय को भेजी जावे। तीसरा बिंदु है यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति से इनकार करना चाहते हैं तो पदोन्नति नहीं चाहने के सुसंगत कारणों का उल्लेख करते हुए उचित माध्यम से लिखित अनुरोध पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगला बिंदु है पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारियों के अनुरोध पत्र पर सुसंगत बातों पर विचार करते हुए पदोन्नति नहीं चाहने का कारण स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाएगा। अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होने पर चयन सूची के अगले कर्मचारी को पदोन्नत किया जाएगा और ऐसे कर्मचारियों को प्रथम पदोन्नति के इनकार करने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्तता के उद्भूत होने तक जो भी पश्चातवर्ती हो पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। 5वां बिंदु है पदोन्नत कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति से इनकार किए जाने पर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 111 दिनांक 23/9/2012 के तहत उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है यदि टी संवर्ग के कर्मचारी को इस संवर्ग की संस्था में एवं इस संवर्ग के कर्मचारी को टी संवर्ग की संस्था में पदोन्नत किया गया हो तो कार्यभार ग्रहण न करावे तथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें। 7वां बिंदु है पदोन्नति पश्चात यदि कोई संस्था शिक्षक विहीन होता है तो उस संस्था में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पदोन्नत कर्मचारी वर्तमान पदस्थ संस्था में ही कार्यभार ग्रहण कर उसी संस्था में यथावत बने रहेंगे। उनके रिलीवर आने पर ही वे कार्यमुक्त हो सकेंगे। उपरोक्त पदोन्नत सहायक शिक्षक एलबी दिनांक 22/2022 तक पदोन्नत पद एवं संस्था में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति आदेश स्वयं निरस्त माना जाएगा। तो दोस्तों ये है महत्वपूर्ण आदेश।